तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सरपंचों की मांग पर पंचायती राज विभाग पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि सरपंचों की तरफ से जिस तरीके से मांग यहां पर की जा रही थी मानदेय बढ़ाने की, इसे लेकर फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है। प्रशासनिक स्वीकृति 5 से बढ़ाकर 10 लाख होगी। टेंडर पंचायत स्तर पर करने की फाइल भी भेजी गई है। वित्त विभाग की मोहर के बाद इस संबंध में आदेश जारी होंगे। इसके बावजूद भी सरपंच संघ अपनी मांगों पर अड़ा, आज ही आदेश जारी करने की मांग सरपंच कर रहे हैं। आदेश नहीं मिले तो गांव के संघ अभियान का बहिष्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सरपंचों की मांगों पर पंचायती राज विभाग पूरी तरीके से एक्शन में। सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है। प्रशासनिक स्वीकृति 5 से बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी। सरपंच संघ अभी 15 तारीख को दोबारा से हमने 20 सूत्री मांग पत्र दिया था सीएस महोदय को, और हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी निस्तारण करने के लिए बोला। अगर कल तक हमारी मांगों पर कोई भी आदेश अगर नहीं निकलता है तो सरपंच संघ इसका विरोध करेगा। आश्वासन तो हमको कई बार मिला है, अभी भी हम इसमें वित्त मंत्रालय में जाके आए हैं। उनका कहना है कि फाइलें हमारे पास आ गई है, हम इस पर विचार करेंगे और उसके बाद में देखेंगे। और रही बात मानदेय की, तो वो बोलते हैं कि अगले बजट में देखेंगे। तो जब हमारे को आश्वासन तो किसी से चाहिए नहीं, जब हमको मुख्यमंत्री जी से बात हो गई 6 मार्च को, अगर कल तक हमको कोई भी आदेश नहीं देंगे तो हम 2 तारीख का जो हमारा जो प्रशासन गाँव की ओर जाने वाला है उसके अंदर हम लोग विरोध करेंगे और हम उसमें असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे।